गेहूं की बोनी एवं बोनी के बाद किसानों के लिए यूरिया खाद की सख्त आवश्यकता होती है। ऐसे में शासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर सोसाइटियों के माध्यम से जमीन के आधार पर यूरिया खाद वितरण उचित मूल्य पर किया जाता है। ऐसे में शासकीय दुकानों पर यूरिया खाद के लिए अल सुबह से ही किसानों की भीड़ उमड़ रही है। धार नगर में घोड़ा चौपाटी स्थित सोसाइटी पर सुबह से ही यूरिया खाद के लिए लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई घंटों की प्रतीक्षा के बाद भी नंबर न आने की वजह से किसानों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। दिन भर लाइन में खड़े रहने के बाद नंबर आते समय किसानों को कह दिया जाता है कि खाद अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में किसान आक्रोशित हो उठते हैं। किसानों की माने तो खाद की कालाबाजारी के चलते हर वर्ष यूरिया खाद को लेकर संकट की स्थिति खड़ी होती है। वहाँ खड़ा है, यहाँ पे यहाँ का नंबर ही नहीं आया। 15 नंबर के 8 बजे का लगा, वो नंबर ही नहीं, वहाँ से बढ़ते जा रहे। राधा मंडल, तो आपके यहाँ राधा मंडल सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा क्या? कहाँ मिल जाएगा, बालों का। क्या नाम है आपका? अशोक चौधरी। कब से आए लगे लाइन में? लाइन में कब से? 2 घंटा हो गया। 2 घंटे हो गए। आज ही आए कि पहले भी आए थे? पहले भी 3 दिनों का परेशान हो गया। तो क्या 3 दिन पहले नहीं मिला यूरिया आपने? नहीं मिला। क्या हुआ 3 दिन पहले आए थे तो? फूट जाए, 50 हाथ निकले, खत्म। क्या नाम है आपका? सामिति लाल। कब से खड़े हो लाइन में? 6 बजे का खड़ा है यार भाई। 4 दिन का कैसे मिल रहा है यूरिया? कितनी कितनी बोरी मिल रही है एक बीघा पे? कितने रोज से राउंड लगा रहे हो? कितने दिन से राउंड लगा रहे हो? 2 रोज।